हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है किरण और आप सब लोगों का मेरे घरौंदे में एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग, मेरे सारे फ्रेंड्स हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे। कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पर विनोद के स्टेनलेस स्टील मल्टी कढ़ाई का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो डाला था। आज इसी विनोद के स्टेनलेस स्टील मल्टी कढ़ाई को हम किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए, फुल डेमो के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले तो थैंक यू जिन व्यूवर्स ने भी मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब किया है। और साथ में ही एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े से भी पसंद आते हैं ना, तो मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ग्रो करने में मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल की हर न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। तो सबसे पहला जो अटैचमेंट है वो है ये दो इडली प्लेट्स का। तो यहाँ पे मैंने इडली बनाने के लिए बैटर जो है वो रेडी करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि ये दोनों जो इडली बनाने वाले प्लेट्स हैं इनको ना मैं हल्का सा ग्रीस कर रही हूँ, एकदम थोड़ा थोड़ा ऑयल डाला है, एकदम थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद। और इसको ना अच्छे से इन प्लेट्स पर मैं रब कर दूँगी ऑयल जो मैंने डाला था अच्छे से। बेसिकली आपको इसको ग्रीस कर लेना है जो हमने बैटर रेडी किया है इडली वाला उसको इसमें पोर करने से पहले। तो एक बार फिर से मैंने बैटर जो है वो स्टर कर लिया अच्छे से और जितने भी खांचे बने हुए हैं बस उसमें इडली का ये बैटर जो है वो पोर कर दूंगी। एक स्पून की मदद से मैं इडली का जो बैटर है वो डाल रही हूँ और एक प्लेट में ना यहाँ पे 7 खांचे बने हुए हैं इडली बनाने के लिए और दो प्लेट्स में आप एक साथ 14 इडलीज बना के रेडी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो प्लेट्स हैं वो रेडी हो गई हैं बैटर डाल के। कढ़ाई मैंने यहाँ पे लिया है उसमें मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। गैस ऑन करूँगी और अच्छे से ना एकदम स्टीम आने देंगे, भाप आने देंगे, पानी एकदम अच्छे से उबल जाएगा, गर्म हो जाएगा, तब हम दोनों प्लेट्स को एक के ऊपर एक डालेंगे। और इस तरह के जो बेकेलाइट हैंडल्स बने हुए हैं ना नीचे वाले, तो दो बेकेलाइट हैंडल्स के ऊपर एक बेकेलाइट हैंडल आएगा, यानी ऊपर वाला जो आप प्लेट डालेंगे उसका एक बेकेलाइट हैंडल नीचे वाले प्लेट के दो बेकेलाइट हैंडल के बीच में आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, वीडियो में भी आपने क्लियरली देख लिया होगा। आधे घंटे के लिए यानी 30 मिनट्स के लिए मैंने यहाँ पे स्टीम दिया है और अभी नाइफ़ डाल के मैं चेक कर रही हूँ तो नाइफ़ एकदम क्लियर बाहर निकल रहा है। तो इडली रेडी हो गई है, थोड़ी सी गर्म है तो मैं इसको ना 5 मिनट का रेस्टिंग टाइम दूंगी। ढक दिया है, 5 मिनट के बाद मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ तो इडली के जो दोनों प्लेट्स हैं स्टैंड है वो मैं बाहर निकाल रही हूँ। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ, इन प्लेट्स पे जो ये बैकलेट हैंडल्स बने हुए ना पकड़ने के लिए इन प्लेट्स को, वो ना हल्के से गर्म होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लव्स का यूज़ किया है। अगर आप भी इस तरह से गर्म निकालेंगे प्लेट्स को कढ़ाई के अंदर से तो आपको किसी कपड़े या ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप दोनों प्लेट्स को कढ़ाई के अंदर एकदम ठंडा होने देंगे फिर निकालेंगे तो फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे एक बार में 14 इडलीज जो हैं वो रेडी हो गई हैं। आप चाहें तो इन प्लेट्स को हल्का सा टिशू से साफ़ कर लिया और उसके बाद अगेन उसी तरह से ग्रीसिंग करके ऑयल से और फिर से आप बैटर डाल के तुरंत फटाफट यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार में अगर एक साथ 14 इडलीज बनी है तो दो बार में 28 इडलीज बन जाएंगी। इन प्लेट्स को यूज़ करने के बाद क्लीन करना बहुत ही आसान है, बस आप इनको थोड़ा सा वेट करके सिंक में रखें, ऐसी ड्राई ना रखें, हल्का सा पानी डाल दें तो जब आप क्लीन करेंगे ना तो फिर क्लीनिंग करने में झंझट नहीं होगा, आसानी से क्लीनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे गर्मा गर्म सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी इडलीज जो हैं वो बन के रेडी हैं। तो मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ हमारी फेवरेट नारियल की चटनी के साथ। नेक्स्ट ये दो प्लेट्स हैं ढोकला के, तो यहाँ पे मैंने ढोकला बनाने के लिए बैटर जो है पहले से रेडी करके रखा हुआ है। और मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले मैं एक प्लेट ले रही हूँ ढोकला वाला, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग प्लेट्स लीजिए। अगर आपको ज़्यादा बनाना है क्वांटिटी में तो दोनों प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं जैसे इडली में हमने किया था। तो प्लेट में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था और अच्छे से मैंने ग्रीसिंग कर दी है, उसके बाद मैं बैटर जो है वो पोर कर रही हूँ। और बैटर को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आपने बैटर आराम से धीरे से पोर कर दिया। और अगेन कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाला है। ग्लास जो है ना वो जो घरों में नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ के जो ग्लासेस होती हैं ना वो ग्लास मैंने यूज़ किया है।
जब स्टीम आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ढोकला वाली प्लेट हमने रेडी की है वो इसके अंदर डाल देंगे और ढक कर पकने देंगे। जो भी कुकिंग हम इस मल्टी कढ़ाई में करेंगे वो लो टू मीडियम फ्लेम में ही करेंगे, हाई फ्लेम में बिल्कुल नहीं करेंगे। 30 मिनट्स के लिए मैंने यहाँ पे स्टीम दिया था। 30 मिनट्स के बाद मैं चेक कर रही हूँ, एक फ़ॉर्क डाल के मैंने चेक किया है, तो देखिए फ़ॉर्क जो है वो एकदम क्लीन एंड क्लियर बाहर निकल रहा है, यानी ढोकला जो है हमारा रेडी हो गया है। इसको ना 5 मिनट का मैं रेस्टिंग टाइम दूंगी अभी ढक कर। 5 मिनट के बाद मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, तो इसको मैं फिर से ग्लव्स की मदद से निकाल रही हूँ क्योंकि मैं गरम गरम निकाल रही हूँ, तो जो हैंडल्स हैं वो गरम हैं। हल्का सा ये मुझे अभी भी गरम लग रहा है, तो इसको मैं बाहर निकाल के भी 5 मिनट के लिए ठंडा होने दूंगी। और 5 मिनट के बाद फिर मैंने यहाँ पे बटर नाइफ़ लिया है। इडली भी मैंने बटर नाइफ़ की हेल्प से ही निकाला था। जो नॉर्मल चाकू होता है ना, नाइफ़ जो होते हैं वो मत यूज़ करें, और फ़ॉर्क भी मत यूज़ कीजिएगा, स्पून भी मत यूज़ कीजिएगा, बटर नाइफ़ यूज़ कीजिएगा। तो देखिए ढोकला जो है प्लेट से एकदम आसानी से निकल गया है, और प्लेट भी देख लीजिए बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। आप सेम टिश्यू से क्लीन करके ग्रीस करके फटाफट बैटर डाल के आप चाहो तो सेम प्लेट को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ना ऊपर से जो भी तड़का वगैरह लगाना होता है ढोकला में वो लगा दिया था, और कट कर रही हूँ यहाँ पे पीसेस, और मैं आपको दिखाती हूँ एक पीस निकाल के। एकदम सॉफ्ट फ्लफ़ी ढोकला बन के रेडी हो गया है, तो काफ़ी आसान है, बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं है। इस मल्टी कढ़ाई के जो भी प्लेट्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, उनको यूज़ करना, क्लीन करना। तो यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ ढोकला को हमारी फेवरेट ग्रीन कोरिएंडर चटनी जो होती है उसके साथ। मूव करूँगी जो नेक्स्ट अटैचमेंट है, नेक्स्ट प्लेट है उसकी तरफ, तो है ये मोमोज बनाने वाली प्लेट, और इसको आप पात्रा बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो कढ़ाई में मैंने सबसे पहले यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाल दिया है, गर्म होने के लिए मैं रख दूँगी इसको गैस ऑन करके ढककर। तो अच्छे से जब उबाल आ गया, स्टीम आ गया, तो मोमोज मैंने प्लेट्स में डालकर अंदर स्टीम होने के लिए रख दिया है कढ़ाई के अंदर, और 45 मिनट्स के लिए मैंने यहाँ पे स्टीम दिया है मोमोज को लो टू मीडियम फ्लेम पे। 45 मिनट्स के बाद देखिए यहाँ पे मैं प्लेट जो है वो आपको निकाल के दिखा रही हूँ। गर्मा गर्म जो मोमोज हैं वो रेडी हो गए हैं, सर्व कर रही हूँ सेजवान चटनी के साथ। आप इस प्लेट को ना वेजिटेबल्स को स्टीम देने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ब्रोकली, गाजर, कॉर्न, बीन्स, आपकी पसंद की कोई भी वेजीज आप इसमें स्टीम कर सकते हैं। तो अभी तक तो आपने इस कढ़ाई के साथ जो प्लेट्स एंड अटैचमेंट्स आए थे उसके यूज़ देखे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस कढ़ाई को मैंने कैसे यूज़ किया है एक चॉकलेट केक बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट मूव करती हूँ नेक्स्ट क्लिप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट केक बनाने के लिए बैटर जो है वो पहले से रेडी करके रखा हुआ है। कढ़ाई में अगेन मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। सारी रेसिपीज़ में आपने देखा होगा मैंने 1.5 गिलास पानी ही डाला है। गैस ऑन कर दिया, ढक दूंगी, अच्छे से बॉयल आने दूंगी, स्टीम आने दूंगी। और यहाँ पर ना मैं एक इस तरह का, मेरे पास एल्युमिनियम का केक टिन है स्क्वायर शेप में, इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के, एक छोटा चम्मच ऑयल मैंने हमेशा यूज़ किया है ग्रीजिंग के लिए, चाहे इडली हो, ढोकला हो, या ये केक बनाने में। बैटर जो बना के रखा था उसको अच्छे से पोर कर लिया। बैटर को बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, बस हल्का सा हिला लिया, बैटर अच्छे से जो टिन है उसमें सेट हो जाएगा। और इधर देखिए जो कढ़ाई में हमने पानी रखा था अच्छे से बॉयल आ गया है, इसमें इस टिन को डाल दूंगी। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड है तो पहले कढ़ाई में स्टैंड डालें, उसके बाद उसके ऊपर टिन को रखें। मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैंने कढ़ाई में एज़ इट इज़ टिन को रखा है। 30 मिनट्स के लिए मैंने स्टीम दिया लो टू मीडियम फ्लेम पे। 30 मिनट्स के बाद मैं चेक कर रही हूँ नाइफ़ डाल के, तो नाइफ़ जो है ना वो क्लीन एंड क्लियर नहीं निकल रहा है, यानी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो फिर से ढक दिया है। 15 मिनट के लिए और मैंने स्टीम दिया है, तो पूरे 45 मिनट्स हो गए हैं। उसके बाद फिर से मैं नाइफ़ डाल के चेक कर रही हूँ। नाइफ़ को पहले मैंने क्लीन कर लिया था, उसके बाद डाल के चेक किया है, तो एकदम क्लीन एंड क्लियर नाइफ़ निकली है बाहर, और केक जो है वो रेडी हो गया है। गैस बंद कर दिया, 5 मिनट का रेस्टिंग टाइम दिया ढक कर, उसके बाद 5 मिनट के बाद निकाल रही हूँ बाहर। बाहर निकालने के बाद भी मैंने इस टिन को 5 मिनट्स के लिए और ठंडा होने दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे एक नाइफ़ मैंने लिया है जो प्रॉपर चाकू होता है, उसकी मदद से ना टिन के चारों तरफ से मैंने हल्का हल्का स्क्रैच कर दिया कॉर्नर्स पर, एजेस पर, और पलट दिया देखिए एक प्लेट के अंदर, और केक जो है वो एकदम आसानी से बाहर आ गया है। टिन जो था वो बहुत ज़्यादा मैसी नहीं था, और इस तरह के मल्टी कलर
स्प्रिंकलर्स है मेरे पास, तो इसको मैंने केक के ऊपर और थोड़ा थोड़ा प्लेट में छिड़क दिया है सजावट के लिए। और मैं यहाँ पे आपको केक कट करके दिखा रही हूँ कि देखिए कितना सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी केक जो है वो बनकर रेडी हो गया है। तो इस कढ़ाई को आप केक बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है जिस तरह से हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं। तो चलिए मूव करते हैं आगे, तो डिफरेंट अदर यूजेज में शेयर कर रही हूँ इस मल्टी कढ़ाई को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल सर्दियों का मौसम है तो हर किसी को गर्म पानी चाहिए होता है, तो इस कढ़ाई की कैपेसिटी इतनी अच्छी है गाइस कि ढेर सारा गर्म पानी आप इसमें एक बार में कर सकते हैं। मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए हमेशा हमें एक बड़े बर्तन की ज़रूरत होती है। तो इस कढ़ाई में ढेर सारा पानी लिया, उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को डाला और अच्छे से वॉश कर लिया। देखिए यहाँ पे मैंने पालक वॉश किया है, कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली है। उसके बाद आप ब्लांचिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, स्पेशली जब हम पालक पनीर बनाते हैं तो पालक को हमें पहले ब्लांच करना होता है। अगर जिन्हें ब्लांचिंग का मतलब नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि ब्लांचिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है उनको गर्म पानी में बॉयल करते हैं, प्रेशर कुक नहीं करते, किसी खुले बर्तन में गर्म पानी में बॉयल करते हैं सबसे पहले। उसके बाद इमीडिएट गर्म पानी में से निकाल कर ठंडे पानी में, एकदम आइस कोल्ड वाटर में या फिर रनिंग वाटर में उसको वॉश कर लेते हैं। ब्लांचिंग हमें हेल्प करता है जो ग्रीन वेजिटेबल्स का ओरिजिनल कलर होता है ना, जो ग्रीन कलर होता है उसको मेंटेन कर पाने में। कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ मैंने इस मल्टी कढ़ाई में ट्राई की है, वो मैं आपसे आगे शेयर कर रही हूँ उनके नेम्स के साथ। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ना दो क्वेश्चंस ले रही हूँ। जब मैंने इस मल्टी कढ़ाई का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू शेयर किया था, वीडियो जब डाला था, तो मुझे दो क्वेश्चंस आए थे। तो अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वाले वीडियो में मैंने प्राइस इसलिए नहीं बताया था क्योंकि प्राइस जो है ना वो हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया था अमेज़ॉन का, ताकि आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट चेक कर सके जो भी रिसेंट प्राइस चल रहा है। और दूसरी बात कि मैंने इस मल्टी कढ़ाई को ना दिवाली के टाइम पे लिया था, तो उस टाइम पे दिवाली ऑफर्स में मुझे 1900 का मिला था, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो बस रीज़न यही था प्राइस ना बताने का वीडियो में। सेकंड, मुझे क्वेरी आई थी कि सैंडविच बॉटम ख़राब होता है क्या यूज़ करने के बाद, या कढ़ाई का जो ऊपर वाला पार्ट है वो ख़राब हो जाता है क्या। तो देखिए दिवाली से लेकर नवंबर से लेकर अभी फरवरी आ गया है, इतना टाइम हो गया मुझे इसको, मैंने ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली इसको यूज़ किया है, तो मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये मेरा हॉनेस्ट फीडबैक है, रिव्यू है आपके लिए। फ्रेंड्स, यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर पसंद आई है, यूज़फुल लगी है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, शायद उन्हें भी पसंद आए, उनके लिए भी यूज़फुल हो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।